नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण को लेकर उन असंतुष्ट किसानों की, जो पिछले 4 दिनों से दयानतपुर गांव के एक शिव मंदिर पर धरना दिए हुए हैं। किसानों का कहना है कि वह अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से अपना अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। वो चाहते हैं कि उन्हें और ज्यादा मुआवजा मिले और ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमारी टीम ने किसानों से बात की, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा व अन्य सुविधा दिए जाने की मांगों को लेकर क्षेत्र के कुछ असंतुष्ट किसानों का गांव दयानतपुर के शिव मंदिर पर धरना 4th दिन भी जारी रहा। एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर यह किसान मुआवजा बढ़ाने के अलावा सरकारी नौकरी तथा अन्य सुविधाएं की मांग कर रहे हैं। मैं इस वक्त जेवर क्षेत्र के दयानतपुर गांव के उस मंदिर पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर कुछ असंतुष्ट किसान धरने पर बैठे हुए हैं पिछले 4-5 दिन से। यहां पर विभिन्न गांवों के किसान मौजूद हैं। अभी हमने दयानतपुर गांव के किसानों से बात की थी, इसी बीच कुछ और गांवों के किसान हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं इनकी क्या समस्या है और ये क्या चाहते हैं। आप बताएं कौन से गांव से हैं आप, क्या समस्या है आपकी? नंगला छीतर से हैं जी हम जी, और रमजान मेरा नाम है। हम एयरपोर्ट बनवाने में बिल्कुल खुश, एयरपोर्ट के लिए हम कभी मना ना कर रहे, हम अपना हक मांग रहे जी। हमें जैसे मतलब सर्किल रेट का 4 गुना और जो ये सन 2013 से जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसे बढ़ाकर वो मिलना चाहिए, और जितनी हमारी यानी कि 20% जो भूकंप ये जो है हाँ ये मिलना चाहिए, और दूसरा जितनी हमारी जमीन है बसापत जैसा घर है 100% हमें मकान मिलना चाहिए। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि काफी लोग, ज्यादातर लोग 90% 95% लोग सहमति दे चुके हैं, उसमें क्या सच्चाई है, क्या लगता है आपको? ये गलत है जी, ये बात बिल्कुल गलत है, ये तो साफ गलत बात है। ये तो पूछते हैं आपको क्या लगता है, क्या कहाँ कमी हो रही है? कमियां ये है जी, जो किसान को जो पूरा जो या वो कहने मांग तो हमारी बाद में आएंगी, पहली बात तो पूरा हमारा हक ही ना मिल लो, ये हक जो हमारा रखो जा रहा या करिए हमारी ये संघर्ष, जब हमें सर्किल रेट बढ़ा के 4 गुना होना चाहिए ये तो हमारा होना चाहिए, लेकिन जो 20% की जिसमें हम बसेंगे आबादी जहाँ हर सुविधा हो, जैसे हम याद रहे आप भी बैठे मंदिर के कितना बड़ा प्रांगण है, ये हमें हर चीज की जरूरत पड़े, ये सब होने चाहिए, सरकारी नौकरी अवश्य होनी चाहिए, और जितने बीच को एक सड़क यात्रा ना के घर बनना है, जितने हम यूज कर रहे हैं चाहे वो हमारी बोगी है या बिटोरा है हम भैंस पाल रहे हैं, उसका पूरा 100% होना चाहिए, उसमें ये कुछ कम तिवर्ती नहीं चले, वो क्योंकि इतने बिना हमारा काम ना चले तभी तो हम इतने घेरे बैठे हैं। यहाँ पर ये 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है, जो सरकार ने किसानों की जो 2013 से जो कांग्रेस सरकार में जो किसानों की मांगों को लेकर जो अध्यादेश पारित हुआ था, सरकार उस नीति से हमारी भूमि को नहीं ले रही है। हमारे जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर सहमतियां दिलवा के जबरदस्ती भूमि दिलाने का काम कर रहे हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और जो आपका ये सवाल है इसमें कोई सब लोग किसान जो जिनकी भूमि जा रही है वही लोग यहाँ धरने में शामिल है और कोई अदर लोग यहाँ शामिल नहीं है। हमारी जो 4-5 मांगे हैं उन मांगों को हमने सरकार के सामने लिखित में रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करके किया है, लेकिन सरकार गूंगी बहंगी है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, वो हमारी आवाज हमारी लिखित लेटरों पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया। औने पौने रेटों पर हमारी जमीन ले रहे हैं, हम उस जमीन को औने पौने रेटों पर नहीं देंगे। हमारा सर्किल रेट बढ़ाया जाए, 15 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, हर साल 10% बढ़ाया जाए, उसका 4 गुना दिया जाए। अगर नगरीय क्षेत्र जो 2 गांव हैं दयानतपुर और नेरा, उनका सर्किल रेट बढ़ाया जाए शहरी क्षेत्र के नोएडा के बराबर, और उसके बाद उसका 2 गुना दिया जाए, या फिर हमें ग्रामीण क्षेत्र में रखा जाए। गांव दयानतपुर किशोरपुर नगला छीतर और रोही गांव के किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान न देकर अनसुना कर रही है। वह चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगे पूरी करें और उन्हें संतुष्ट करें। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमको बस इस चाहिए कानून के तहत जो हमारी मांग है
उसे 4 गुना मुआवजा और हमारी जितनी आवासीय जगह है वो जगह और हमें सरकारी नौकरी और सरकार रेट बढ़े। 4 साल से सरकार रेट नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, शासन प्रशासन ने, वो हमारे बढ़ के 4 गुना मुआवजा चाहिए हमको। ऐसी दबाव में आके उन्होंने सहमति दी है और सहमति की बात ऐसी चलती है कि कम से कम 30% सहमति ऐसी है उसमें जो किसान के सिग्नेचर नहीं है, उसमें फ्रॉड सहमति है, 100% सहमति है उसमें। अगर जांच करवाई जाए, प्रशासन से जांच करवाए, इसकी जांच करवाई जाए तो 30% सहमति और 30 से 40% सहमति रोहिवासी वापस लेने को तैयार है। धरना स्थल से निकल कर जेवर प्रेस की टीम ने दूसरे गांव का भी दौरा किया। दौरान गांव सिरसा माचीपुर के किसान सूबेदार सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने अपनी राय सहमति के रूप में जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम सरकार के साथ एयर रिपोर्ट को लेकर सहमत हैं, लेकिन सरकार को भी किसानों की सुविधाओं के विषय में और सोचना चाहिए। मुआवजा तो जो ये कर रहे हैं अब तो सहमति यही पर लग चुकी है कि भाई हमारा विकास यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। ये तो बात ऐसी है कि जो किसान है का ये तो ये चाह रहा भाई हम पैसा भी चोखो मिल जाए मुआवजे को और विकास भी हमारा ना जाना चाहिए। या है तो हर आदमी घुड़की तो दे ही है कि मुआवजे की बदौलत है कि भाई हम हमारा मुआवजो भी बढ़ जाए और विकास भी हमारा यहाँ पे कहीं और ना जाए। जेवर में बनने वाला यह रिपोर्ट जीवन क्षेत्र वासियों के लिए उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका इंतजार कई सालों से जेवर तथा आसपास के क्षेत्रवासी कर रहे हैं, जिसके लिए किसानों को अपने घरों और खेतों को छोड़ना होगा, जिसके लिए जेवर के विधायक तथा प्रशासन क्षेत्र के किसानों पर पकड़ बनाने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उदय चौधरी की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।